बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका ऑटो क्लब से आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज हमारा जो बेसिक वायरिंग, हम जो बेसिक वायरिंग का कोर्स कर रहे हैं, उसमें हमारा टॉपिक है इग्निशन स्विच। इग्निशन स्विच के अंदर कौन कौन सी पॉइंट होते हैं, कौन कौन सी करंट आती है और इसके अंदर कितने पॉइंट होते हैं, आज हम ये समझेंगे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, इग्निशन स्विच की तरफ। इग्निशन स्विच के अंदर मेन बैटरी से एक वायर जो मेन बैटरी से करंट आ रही है, बैटरी से होके सीधा वायरिंग के थ्रू इग्निशन स्विच के ग्रिप के पीछे जो आपकी मेन जो ग्रिप है, जो कनेक्टर है, उसके अंदर आपकी एक करंट जो है बैटरी से पहुंच रही है और यही करंट आपकी एक इग्निशन स्विच पर आ रही है और ये उस वक्त तक आपकी इधर करंट रहेगी जब तक बैटरी में करंट है। अगर आपने गाड़ी स्टार्ट की है, नहीं स्टार्ट की, ऑन है, नहीं, इग्निशन स्विच ऑफ है, ऑन है, ये स्टैंड बाई करंट आपकी इधर पहुंचती रहेगी। और जूँ ही हम दूसरे, पहले मैं आपको इसके पॉइंट बता दूं कि इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट आते हैं। एक पॉइंट हमारा मेन होगा, दूसरा पॉइंट हमारा ACC, ACC से मुराद के हाफ स्विच, जिसे हम हाफ स्विच बोलते हैं, पहले ऑफ होगा, दूसरे नंबर पे ACC होगा, तीसरे नंबर पर ऑन हो जाएगा, जिसे हम इग्निशन स्विच ऑन बोलते हैं, और चौथे पे आ जाएगा ST, ST से मुराद है स्टार्टर। पहले पे ऑफ यानी आपका इग्निशन स्विच बिल्कुल ऑफ है, कोई इससे हम काम नहीं ले रहे। ACC हमें जब डेक की, कार डेक की और उसकी मोबाइल चार्जर की ज़रूरत पड़ती है, ये वाली ACC, उस पर करंट जाएगी। ऑन जब हम करेंगे तो हमें ब्लोअर की या किसी और जिधर जिधर इसकी करंट की ज़रूरत होती है, ऑन करके उधर पहुंच जाती है, ऑन करेंगे तो गाड़ी हमारी स्टार्ट हो जाएगी। और चौथा जो पॉइंट होगा इसका स्टार्टर का होगा, स्टार्टर में आगे आपको समझाता हूँ कि ये किस तरह काम करता है। एक मेन वायर जो करंट की ये आपकी पहुँच जाएगी और हम दूसरा इसका जो अब ऑप्शन करेंगे ACC पे ऑन करेंगे तो हमारी करंट ACC की इधर आ जाएगी। और हम जब स्विच को ऑन कर लेते हैं, चाहे वो ऑन पे हो, स्टार्टर पे हो, ACC पे हो, हाफ स्विच, ACC को हाफ स्विच बोलते हैं, तो हमारी चाबी जो होगी ये इसके अंदर से नहीं निकलेगी। दूसरा पॉइंट हमारा आ गया हाफ स्विच का, तीसरा पॉइंट होगा इग्निशन स्विच का, जिधर जिधर करंट इग्निशन स्विच की जाती है, और चौथा पॉइंट हमारा होगा स्टार्टर का। जो ही हम इसको स्टार्टिंग पॉइंट पर ले के आएंगे तो हमारा ये वाली करंट इधर से होके सीधा स्टार्टर मोटर पर जाएगी और हमारा गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। ये उस वक्त तक इस पर करंट आएगी जब तक हमने इसको आगे दबा के रखना है, जो ही छोड़ेंगे इसके अंदर करंट जो है वो गायब हो जाएगी। इसके अंदर जो फॉल्ट आते हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। इसके अंदर जो फॉल्ट आते हैं जल्दी जल्दी से वो भी आपको जो बता देता हूं, जो इसके अंदर मेन फॉल्ट आते हैं, अगर आपकी इग्निशन स्विच ऑन नहीं हो रहा, आपका इग्निशन स्विच काम नहीं कर रहा, गाड़ी स्टार्टिंग नहीं ले रही, टॉर्क नहीं ले रही, तो सबसे पहले आप इग्निशन स्विच पे ये कनेक्टर पे आएंगे और आप इधर मेन जो इसकी करंट है ये चेक करेंगे कि इधर कनेक्टर पर मेन बैटरी से करंट आ रही है कि नहीं आ रही। अगर इधर मेन करंट नहीं आ रही तो आप सीधा बैटरी के टर्मिनल पे जाएंगे और उसका टर्मिनल चेक करेंगे। अगर टर्मिनल के अंदर कार्बन है या कोई चीज़ है, करंट बैटरी का टर्मिनल और उसका सेल जो होता है वो आपस में कनेक्ट नहीं हो रहा, तो ये भी फिर इधर करंट नहीं पहुँचेगी। दूसरा, अगर वो ठीक है, टर्मिनल वगैरह ठीक है, तो फिर आप उसका फ्यूज़, जो मेन फ्यूज़ है वो चेक करेंगे। और इसी तरह आगे अगर इधर करंट आ जाती है, करंट आती है और आगे ये वर्क नहीं कर रहा, तो इससे आपका इग्निशन स्विच जो वो ख़राब होगा, फिर आप इसको रिप्लेस करेंगे। ये थी एक छोटी सी इग्निशन स्विच के मुतालिक जो मैंने आपको आज समझाने की कोशिश की है। इसके अंदर फॉल्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, जो अगर आप जब फील्ड में जाएंगे तो वो आपको फील्ड में जाएंगे तो काम करेंगे, उसके साथ साथ आपका ये फॉल्ट भी आपको
मज़ीद इसके अंदर मिलेंगे। अगर मैं उसको इससे ज़्यादा भी आपको बता सकता हूँ लेकिन उससे वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसके अंदर जो मेन पार्ट है मैंने कोशिश की है कि आपको वो चीज़ बताऊँ। उम्मीद है आप लोग को समझ आ गई होगी। इसके साथ ही हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि ये भी दूसरे लोगों तक वीडियो पहुँचे और वो भी चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह।